face. Tell me that you love me, even if it's fake. तो आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, 2100 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इसका राइट आंसर है बी, विनीत अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा विनीत अग्रवाल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मार्च 2021। तो इसका राइट आंसर है सी, मार्च 2021 तक निलंबन को बढ़ा दिया गया है, मार्च 2021। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है डी, वियतनाम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पांचवा क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर। सातवां क्वेश्चन, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तब इसका राइट आंसर होगा ए, भारत है इसका राइट आंसर। फिर देखते हैं आठवां, तो आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8341 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान।